पंजाब के लुधियाना में गैस लीकेज से हुए हादसे की, तो गैस लीकेज से 11 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। मृतकों में 5 महिलाएं और 4 पुरुष समेत 2 बच्चे शामिल हैं। बच्चों की उम्र 10 और 13 साल है। हादसा शहर के ग्यासपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक एक इमारत में बने मिल्क बूथ में हुआ, जहां पर एसडीएम स्वाति ने बताया कि गैस रिसाव के बाद 12 लोग बेहोश भी हो गए। घटना के बाद मेडिकल, फायर ब्रिगेड, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। बीमार हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं प्रशासन ने इमारत के आसपास 1 किलोमीटर के इलाके को सील कर दिया। पुलिस कमिश्नर मनदीप सिद्धू ने बताया कि घटना वाली इमारत से सभी लोगों को निकाला जा चुका है। लोगों को आगाह किया गया है कि जब तक गैस पूरी तरह खत्म ना हो तब तक इलाके में जाने की कोशिश भी ना करें। पंजाब सरकार की ओर से मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई।